तो गांव के अंदर क्या होता है, कई बार कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, ऐसे डॉक्टर के पास गया जिसको कोई मेडिकल डिग्री नहीं है पर वो दवाएं देता है, तो क्या करता है वो देखता है बुखार आ रहा है, ठंड भी लग रही है, तो वो क्या करेगा, वो उसको पुड़िया बना के गोली देगा, 8-10 गोली देगा, बोलेगा दूध पीना अच्छे से, दूध के साथ दवा, दूध के साथ खाना, ऐसे करके 4-5-6 टेबलेट एंटी हेलमिंथिक भी दे दिया, एंटी जो है वो अपना मलेरियल भी दे दिया और एंटीबायोटिक भी दे दिया और बोला दूध पी के दब के सो जाना ठीक सुबह तक। तो इतनी गोली है कि कोई ना कोई तीर तो लगेगा जाके, लग गया तीर, 3 दिन में ठीक हो गए, 5 मिनट दिए, 20 रुपया लिए, पुड़िया पकड़ाई, 30 रुपए पुड़िया के, 20 रुपए फीस के, काम खत्म। अब शहर का डॉक्टर क्या होता है, पहले वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि तुमको हुआ क्या है, वो पुड़िया बना के ऐसे 50 तीर नहीं छोड़ देगा, तो 50 तीर छोड़ना और एक सही तीर मारना दोनों में फर्क होता है, तो निशाना सही लगाने के लिए तो पढ़ना पड़ता है MBBS में। No, I don't.